Hi students, this is Kedisa from CM Education. First of all, I would like to congratulate to all the students who have cleared their 10th board examination. Congratulations to all. आपने अपना करियर का फर्स्ट स्टेज क्लियर किया है और congratulations. Right, अब 10th तो क्लियर हो गया, अब करना क्या? ये क्लियर हो गया तो ज्यादा कंफ्यूज हो गया, अब मार्क्स आ गए तो और कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हमारा सिस्टम कहता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो बच्चा 80 और 90 और 70 मार्क्स लाते हैं वो साइंस के लायक हैं, जो बच्चा 60 और 70 लाता है वो कॉमर्स के लायक है, और जो 60 के नीचे लाता है वो स्कूल वाले भी उसको आर्ट्स ही देते हैं। अजीब है, अजीब सिस्टम है हमारा, राइट? ना बच्चों का ख्याल रखा जाता है, ना उसकी रुचि का ख्याल रखा जाता है, ना उसकी काबिलियत पे ध्यान दिया जाता है, सिर्फ एक मार्कशीट के बेस पे हम उन्हें फिक्स कर देते हैं, हम उन पर स्टैंप मार देते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस। मानता हूँ मार्कशीट का इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये मार्क्स जो हैं, ये जो इवोल्यूशन है, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन इट। कुछ भी हो सकता है, कुछ चांस ऐसे हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है उस बच्चा या बच्ची की, उस वक्त मेंटल हालत ठीक नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि शी इज नॉट क्वालिफाइड फॉर व्हाट शी लाइक्स और व्हाट ही लाइक्स। सो जरा बार के लिए सिस्टम को थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बच्चों की रुचि की तरफ ध्यान दीजिए, अपने बच्चे की इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दीजिए, अपना बच्चा किस चीज में काबिलियत रखता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका कैलिबर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ये ध्यान दीजिए, और फिर उसके इंटरेस्ट पे थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। उस एनालाइज में आप उसकी मदद कीजिए, क्या क्या स्कोप है, किसी से पूछिए, उससे किसी से मिलवाइए, राइट? और फिर उसे बताइए क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या करियर है उसका, ये सब उसे बताइए। और बच्चे लोग, आप लोगों को भी, भैया दीदी जिन लोग हैं वो लोगों से बात करो, जाके जानिए क्या होता है, इससे आगे क्या होने वाला है, राइट? आपको साइंस तो लेना है, साइंस के आगे कितना स्कोप है, आपको कॉमर्स तो लेना है, कॉमर्स के आगे कितना स्कोप है, आपको आईएएस तो बनना है, लेकिन उसके लिए क्या स्कोप है, तो ये सब कुछ जानिए जरा, फिर उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट, राइट? वी विल स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने 10th क्लियर किया है, 10th के बाद सिर्फ पहले तो स्ट्रीम क्लियर हमको सिलेक्ट करना है, राइट? अभी अभी करियर की बात तो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, लेकिन अभी पहले है हमको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, 10th के बाद सबसे पहले आपको ये फिक्स करना है कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, आपके कौन से सब्जेक्ट्स में आप पावरफुल हैं, कौन सा सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आपको क्या बनना है। ये मत कहिए कि मेरे घर पे सब लोग ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूँगा, ये मत कहिए कि सामने वाले ने साइंस लिया तो मैं लूँगा, मेरी सहेली ने कॉमर्स लिया तो मैं लूँगी, ऐसा नहीं। आपको जो पसंद है वो कीजिए, क्योंकि आपका जो पसंद है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो आपको सक्सेस दिलाएगा, किसी का चॉइस नहीं, राइट? तो पहले आपको ये तीन में से कोई एक को सिलेक्ट करना है, तो आप अपने रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट, फिर उस इंटरेस्ट का स्कोप क्या है वो सोच के खाली आपको ये तीन स्ट्रीम में से एक सिलेक्ट करना है। अब हम एक एक स्ट्रीम के बारे में आपको बताएंगे, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द साइंस स्ट्रीम। नाउ साइंस स्ट्रीम जब आप लेते हैं तो आपको थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा करना है, बाकी दो स्ट्रीम से थोड़ा होमवर्क ज़्यादा इसलिए करना है क्योंकि 10th के बाद साइंस में दो पार्ट होते हैं, एक मैथ्स का ग्रुप और एक है बायोलॉजी ग्रुप, तो इसलिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है कि आपको क्या करना है, आपको मेडिकल लाइन चुनना है या नॉन मेडिकल, आपको इंजीनियरिंग चुनना है या नॉन इंजीनियरिंग, तो यू हैव टू डिसाइड आफ्टर 10th बिफोर एंट्रिंग 11th दैट व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। अगर आपको हर चीज में इंटरेस्ट है, मैकेनिज्म में इंटरेस्ट है, काइनेटिक्स मतलब किस तरह ये चलती है, ये कैसे बनती है, ये कितना है, राइट? बहुत जन होते हैं
कुछ ना कुछ मंथर थे रहते हैं, कोई भी चीज़ें उसको खोल के देखने की आदत, ये सारे लोग इंजीनियरिंग की तरफ है, राइट। बायोलॉजी वाले हैं जो जिनको मेडिकल में जाना है वो अलग बच्चे हैं, उनको मैथ्स की तरफ रुचि आता ही नहीं है, तो ये वाले बायोलॉजी वाले हैं। तो फर्स्ट यू सिलेक्ट मैथ्स एंड बायो ग्रुप, दोनों में से आप एक सिलेक्ट कीजिए। ये सिलेक्शन करने में भी आपको एक हेल्प मिलेगा, आपको जो भैया लोगों ने मैथ्स या बायोलॉजी लिया है उनसे बात कीजिए क्या है, राइट, इससे आगे क्या हो सकता है, क्या बने वो मैथ्स लेके, बायोलॉजी लेके क्या बने हैं, कितना स्कोप है, वो सब जानिए। स्कोप काफ़ी है, मेरे पास भी है, इफ़ यू राइट डाउन टू मी मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स के आगे आपके पास क्या क्या लिस्ट है, राइट, कितने इंजीनियरिंग से, राइट, कितना सेक्टर्स है, वो सारा चीज़ लिस्ट आपको मैं दे सकता हूँ। तो बच्चे लोग, आप लोगों को ये पहले सिलेक्ट करना है, और ये सिलेक्ट करने के बाद इलेवेंथ में आप स्टडी करेंगे, इलेवेंथ के बाद ट्वेल्थ में फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में आपको अभी ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स में आप इसलिए आए क्योंकि आपको बिजनेस करना है, कॉमर्स में आप इसलिए आए कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, कॉमर्स में आप इसलिए आए क्योंकि आपको मार्केटिंग, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, पब्लिक रिलेशन अच्छा लगता है, इसलिए आपने कॉमर्स लिया है। तो कॉमर्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट हैज आल्सो ए वाइड स्कोप लाइक साइंस, राइट। तो आप जब कॉमर्स में हैं अभी आपको कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं। हाँ, जब आप इलेवेंथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट सारे नहीं हैं, तो ये जो सब्जेक्ट्स आप जिस तरह पढ़ते हैं उसमें आपको एनालाइज करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आपको किस सब्जेक्ट से अच्छा स्कोप आ रहा है, आपको आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि आता है, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। देर आर मैनी लाइन्स, लाइक सी ए बन सकते हैं, सी एस बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं, राइट, नंबर ऑफ वेज पाथ्स आर देयर, तो वो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप 11th 12th अपने रेट से करो, राइट। वंस यू आर क्लियर द 12th, वंस यू आर डिसाइडेड इन 11th स्टैंडर्ड दैट यू आर वांट टू बिकम दिस, जस्ट टेक इंटरेस्ट, ट्राई टू गेट द बेस्ट मार्क्स, ओके। अब आते हैं आर्ट्स। आर्ट्स, हमारे सिस्टम ने आर्ट्स को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करके रखा है, वो लोग ही आर्ट्स लेंगे जो लोग के मार्क्स कम आए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आर्ट्स वो लोग लेते हैं जिनको लैंग्वेज में रुचि है, आर्ट्स वो लोग लेते हैं जिनको लैंग्वेज में बहुत ही पैशन है, जैसे बहुत बच्चों को मैंने देखा है इंग्लिश में उनका हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, राइट, गुजराती पे उनका बहुत ही एक अच्छा डोमिनेंसी रहता है, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे लोग बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चों को आर्ट्स लेना चाहिए, और उनकी जो स्किल है उसे उनको ग्रो करना चाहिए, ये बच्चे लोग आर्ट्स लेते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा सा अलग है, वो आप लोग चेंज करोगे। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताना बताऊँ, हमारे जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, भी एक दूसरे जीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, ये लोगों में 80% लोगों ने आर्ट्स लिया हुआ है। तो आर्ट्स का इम्पोर्टेंस अभी आपको पता चलेगा, राइट। अच्छा, अब ये आर्ट्स के बाद और एक सेक्टर है जो हमने आपको बोला नहीं, वो है डिप्लोमा। डिप्लोमा वो लोग ले सकते हैं जो लोगों को इंजीनियरिंग करना है लेकिन थोड़े मार्क्स कम आए, इसलिए पेरेंट्स खुश नहीं है, थोड़े एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि 11th 12th में ट्यूशन खर्चा, वो स्कूल ये, तो इसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। तो आप डिप्लोमा लीजिए, डिप्लोमा लेके आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड D2D, डिप्लोमा टू डिग्री, और फिर आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। तो देर इज़ देर आर लॉट्स ऑफ चांसेस टू डू इंजीनियरिंग ऑल्सो, तो यू कैन बिकम इंजीनियर, इफ इंजीनियरिंग इज़ योर ड्रीम, यू कैन, ओके। वैसे ही बायोलॉजी में फार्मा है, ये है, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपको 10th के बाद क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेज है वो बता रहा हूँ मैं आपको, आगे जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा, राइट। और अगर आपको यह भी नहीं, थोड़ा सा वोकेशनल में जाना है, राइट, और आपके मार्क्स काफ़ी कम आए और आपके घर की हालत या आपको कुछ जॉब जल्दी करना है, ऐसा कुछ है, यू कैन इवन ज्वाइन आईटीआई भी हैं हमारे यहाँ, जो बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं,
सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाते हैं, वोकेशनल नॉन वोकेशनल कोर्सेज चलाते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चे लोग बहुत सारे चांसेस हैं, जस्ट थोड़ा सा रिसर्च करो, जस्ट अपने आप को जानो और अपनी रुचि को जानो, अपने मम्मी पापा को कन्विंस करो, अपने मम्मी पापा को बताओ कि आपको यही बनना है, आपको उनको बताओ कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, और आप उनकी जो इच्छा है, उनके जो मार्क्स लाने हैं, वो सब ला के दिखाओगे, और आपको थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा, क्योंकि यू आर एंटरिंग इनटू द सेकंड स्टेज ऑफ योर कैरियर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा, तो शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के लिए, और अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बाजू में जो बेल बटन है उसे प्रेस कीजिए, सो दैट आपको अगला मोटिवेशनल वीडियो भी आपको पहुँचे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ बेस्ट कैरियर।